हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम मेन को फाइंड करना सीखेंगे। तो क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड मेन फ्रॉम द गिवन डाटा बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड। यानी कि डायरेक्ट मेथड का यूज करके आपको दिए गए क्वेश्चन से मेन फाइंड करना है। मेन को हम मेन भी कहते हैं, एवरेज भी कहते हैं और अर्थमेटिक मेन भी कहा जाता है। नाउ फर्स्ट, ये दी गई सीरीज जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में मेन निकालने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी है। इस मिड वैल्यू को हम एक्स वैल्यू कहेंगे। नाउ कैसे फाइंड करनी है मिड वैल्यू? जो क्लास इंटरवल दिया गया है, इस क्लास इंटरवल में दो वैल्यूज होते हैं, एक तो होती है लोअर वैल्यू, एक होती है अपर वैल्यू। आपको दोनों वैल्यूज को जोड़कर हाफ करना है, यानी कि टू से डिवाइड करना है। तो लोअर वैल्यू है जीरो और अपर वैल्यू है टेन, तो टेन प्लस जीरो टोटल होता है टेन और डिवाइडेड बाय टू इज फाइव। ऐसे ही टेन प्लस ट्वेंटी थर्टी होता है और थर्टी का हाफ हमारे पास आता है फिफ्टीन, फिफ्टी का हाफ हमारे पास आता है ट्वेंटी फाइव, सेवेंटी का हाफ हमारे पास आता है थर्टी फाइव और नाइन्टी का हाफ हमारे पास आता है फोर्टी फाइव। अब दिए गए क्वेश्चन में हमने x फाइंड कर लिया है, x भी हमारे पास है और f भी हमारे पास है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन का फॉर्मूला है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें f और x की इंटू करनी है, जिसके बाद हमें मिलेगा सिग्मा एफ एक्स। तो हम f और x की इंटू कर देते हैं। हियर इट इज फाइव इंटू वन, दैट इज फाइव, 15 इंटू टू दैट इज 30, 25 इंटू फोर दैट इज 100, 35 इंटू टू दैट इज 70 एंड 45 इंटू वन दैट इज 45। तो यहां इसका टोटल आता है 25, इसका टोटल आता है 250 एंड यहां एफ का टोटल आता है 10। एफ एक्स का टोटल आता है 250 और f का टोटल आता है 10। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें चाहिए सिग्मा एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स का टोटल, एफ एक्स का टोटल आता है 250 और सिग्मा f यानी कि f का टोटल आता है 10। सो वी गेट 25। सो मीन इज 25। तो आइए अब इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं शॉर्टकट मेथड से। शॉर्टकट मेथड को इनडायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है। तो वही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मिड वैल्यू। सबसे पहले हम इसमें क्या निकालते हैं? मिड वैल्यू निकालते हैं। तो आइए, मिड वैल्यू है जैसे कि हमने पहले निकाली थी। अब हम मिड वैल्यू को क्योंकि एक्स मानते हैं, तो हमारे लिए सबसे जरूरी है फॉर्मूला। यहां पर फॉर्मूला जो मीन को निकालने का है, मीन को निकालने का फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो सबसे पहले हमें आ चाहिए ए। ए क्या है? एक्स में से किसी भी एक वैल्यू को आप एज्यूम कर लीजिए, उसे एज्यूम्ड मीन माना जाता है। कोई भी एक वैल्यू आप एज्यूम कर लीजिए। मान लीजिए मैंने 15 को एज्यूम किया, तो इस 15 को हम ए मान लेते हैं, यानी कि एज्यूम्ड मीन। ए हमारे पास 15 है। अब आपको करना क्या है? आपको निकालना है डी, और यहां डी निकालने का फॉर्मूला है कि पूरी एक्स यानी कि मिड वैल्यू में से आपको ए माइनस करना है, यानी कि इस पूरी एक्स में से आपको ए यानी कि 15 माइनस करना है। तो अगर हम 5 में से 15 माइनस करेंगे तो आएगा माइनस 10, 15 में से 15 माइनस करेंगे तो 0, 25 में से 15 माइनस करेंगे तो 10, 35 में से 15 माइनस करेंगे 20 और 45 में से 15 माइनस करेंगे 30। तो हमारे पास डी आ जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हमें चाहिए एफ डी की इंटू। तो हम क्या करेंगे? एफ और डी की इंटू कर देंगे, तो बन जाएगा एफ डी 1 इंटू 10 माइनस 10 0 40 40 एंड 30। नाउ हम क्या करते हैं? एफ डी का टोटल फाइंड करते हैं। तो टोटल में हमारे पास जो प्लस की वैल्यू है वो है 40 प्लस 40 80 प्लस 30 इज इक्वल टू 110। 110 यानी कि हमारे पास प्लस की वैल्यू है और माइनस हमारे पास है 10, तो हमारे पास टोटल वैल्यू आती है 100। ऐसे ही हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो टोटल वैल्यू आती है दैट इज 10। फॉर्मूले में वैल्यू लगाते हैं, मीन इज इक्वल टू ए हमारे पास है 15
प्लस एफडी का टोटल सिग्मा एफडी 100 डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ का टोटल 10, मीन हमारे पास आता है 15 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 25।